एक और जहां दर्शक चल रहे आईपीएल का लुत्फ उठा रहे हैं तो वहीं प्लेयर से नाराज लोग अपना गुस्सा भी उतारते दिखते हैं। ऐसा नहीं कि खिलाड़ियों को दर्शकों का गुस्सा नहीं झेलना पड़ता, लेकिन ताजा खबर बिल्कुल चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स मैच के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने रविंद्र जडेजा पर जूता फेंक दिया। यह घटना कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के 8वें ओवर में हुई, जब दर्शक दीर्घा से कुछ लोगों ने पास ही फील्डिंग कर रहे जडेजा की तरफ जूता फेंका। हालांकि वह जूता उन्हें नहीं लगा। जडेजा पर जब जूता फेंका गया तब दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी फाफ डुप्लेसिस और तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी भी उनके पास ही खड़े थे। बताया जा रहा है कि जडेजा पर जूता फेंकने वाले का नाम तमिलार कच्ची, जो कि एनटीके के कार्यकर्ता हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। जाहिर है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहे कावेरी नदी जल विवाद के कारण चेन्नई में आईपीएल 11 के मैचों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस को लगातार धमकियां मिल रही थी। खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को देखते हुए स्टेडियम और आसपास के इलाकों की सुरक्षा में करीब 4000 जवानों की तैनाती की गई थी। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच मैच कराए जा रहे हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।